दिलीप माखीजा हमारे बहुत ही कमिटेड कार्यकर्ता हैं और इस कोर्स में उनके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो उनके सबके बिहाफ पे वो कुछ बात करना चाहते हैं। हरिओम। एक्चुअली जनवरी में मैंने 8 दिन का कोर्स किया था, फिर फरवरी में मैंने अपनी मिसेस को भेजा 8 दिन का कोर्स करने के लिए, फिर वो मेरी सास को भी लेके आई। तो भरत गिरिराज जी ने मेरे साथ में किया था जनवरी, उन्होंने मिसेस को तो भेजा लेकिन अभी फिर बहू को भेजा, बहुत अच्छी बात है। अभी ये कोर्स में मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरा बहू, मेरी बहू और मेरी मिसेस, हम दोनों ने भी रिपीट किया। घर को ताला मार के आए हैं, पूरा परिवार इधर आया है, हमारे कस्टमर है और खास अच्छे दोस्त भी है, और सुनील जी यहाँ आए थे, वो भी बहुत हमारे अच्छे मित्र है, और मेरे साले साहब प्रीतम आहूजा जी, उनको भी मैं लास्ट मोमेंट में लेके आया। सर जी ने रिफ्यूज किया था कि फुल हो गया है, लेकिन फिर सर जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने बोला आपका सर आपके साथ ही कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा इरेग्युलर था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सब कोर्स हो गया। और मेरे को भी टेंशन था क्योंकि पहले 8 दिन के कोर्स में सर ने सब प्रोजेक्टर पे लेक्चर दिए थे, वो 29 लेक्चर 29 दिनों में शूट किए गए थे लगभग, कभी कभी एक दो किया था, लेकिन ये 10 लेक्चर वो भी 29 लेक्चर का माल 2 दिन में सर ने आपको दिया। मतलब मैं एक्चुअली, मेरा बेटा बोल रहा था सर ने जो 4,000 फी रखी है, एक्चुअली आपसे 8-9 हज़ार दिया तो इसका 18,000 लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रोजेक्टर पे सुना, हम तो लाइव सुन रहे हैं सर को। तो सर को वही मैं बोलूंगा, सिर्फ 4,000 लिया, उसमें भी 5-स्टार फैसिलिटीज दी, लॉजिंग बोर्डिंग मस्त, हम लोग होटल में बहुत घूमते रहते हैं, होटल में बहुत पैसे लेते हैं, और ऐसी सर्विस और ऐसा फूड भी नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा बच्चों को लगता था पूरी कद्दू, लेकिन हम तो अंदर ही अंदर बहुत खुश होते थे, क्योंकि घर में वो सब पिज्जा पकौड़ा खाना पड़ता है, मजबूरी में नहीं खाते तो मेरी बहू बोले पापा 1 पीस, फिर मैं 1 पीस नहीं खाता, फिर 4-5 खा लेता हूँ। इसके लिए यहाँ बहुत अच्छा लगा, और जिन लोगों ने कोर्स किया है सब लोग सेटिस्फाई। पहले दिन लग रहा था ओवरडोज हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन तो बहुत मजा आया, और सर जी ने जो मतलब शानी मारा कोर्स को, जो प्योर प्योर माल था वही आपको दिया। लेकिन 29 लेक्चर का लगभग 99% मेरे को लगता है सब मसाला दिया, क्योंकि मैंने तो पहले 8 दिन का कोर्स किया, फिर मिसेस के साथ दोबारा भी आधा कोर्स किया था, फिर मैं कपड़े लटे तो लेके आया 8 दिन की तैयारी के, लेकिन एक दिन दुकान में गया था फिर 84 में लग गया, वापस ही नहीं लौटा, 8वें दिन आया कपड़ा लेके गया, मेरा रूम भी ब्लॉक था। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने जो कोर्स किया है ये बहुत बढ़िया कोर्स है, 2 दिन में सर मतलब बहुत अच्छा माल दे रहे हैं, सबको प्रॉब्लम है, बस 2 दिन है ना तो चले हैं, 8 दिन कोई आने के लिए तैयार नहीं। मेरा एक कस्टमर है बोलते 8 दिन, मैं बोला ग्राहक के पास जाते हो ना केरला पेमेंट लेने को, कितना खर्चा करते हो, बोला 80-80 हज़ार खर्चा करते हो, फिर मैं बोला कितना मिलता है, बोलता कभी कभी तो कुछ नहीं मिलता है, मैं बोला इधर 8 हज़ार खर्चा करो, 8 दिन का कोर्स करो, 8 करोड़ का मैं गारंटी देता हूँ, तो अपने लिए करो। कार सर के कहने का मतलब क्या है, जिसने कोर्स किया है वो सबको बताइए, क्योंकि सर जी का एक मेरे को तो बुरा आदत लगता है, सर जी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते किसी माध्यम से, किसी को भी बोलते माउथ पब्लिसिटी चाहिए, सर को रियल माल चाहिए, मतलब आप लोग जो रियल मिला है आपको आप पब्लिक को बताइए, सच्चाई बताइए, कुछ आपको तकलीफ हुई है वो भी बताइए, जबकि यहाँ पे कोई तकलीफ लगभग नहीं मिली है तूड़ी कद्दू के अलावा, वो भी मैं सवेरे जब आज पकौड़े बने हैं, सर का प्रोग्राम नहीं था, मैंने सर जी को रिक्वेस्ट किया, तो सर जी ने क्या बहुत अच्छी तरह से किचन में गए, रचना जी पकौड़े बनाएंगे, कांडा पड़ा है, बहुत इतना इज्जत से बोला, मतलब मैं डॉक्टर अरमानी की जगह होता ऑर्डर करता पकौड़े बनाइए, बहुत प्रेम से, यहाँ 50-60 लोगों का स्टाफ है, उनको ऐसा प्यार से चलाते सर, मानना पड़ेगा, मैं इसके लिए अपने स्टाफ को भी सर से देख देख के वैसे ही चलाता हूँ, मेरे भाई लोग नाराज होते हैं, क्या करो जब नाश्ता चलाते हो, क्यों प्यार करते हो, ये लोग सुधरने वाले नहीं, लेकिन सर राइट है, हम लोग गलत है। हरिओम, थैंक यू।